रेसिपीज की लेकर आई हूँ। ये बिल्कुल मिलती जुलती उसी जो मैंने आपको ब्लैक पेपर चिकन सिखाया था उसी के जैसी है, लेकिन ये चिली ये चिकन चिली है, इसके अंदर चिलीज यूज होंगी। लेकिन फर्स्ट स्टेप जो हमें मैरिनेशन का है उसके अंदर हमें चाहिए होगा, ये कम अज कम मैंने 1 किलो बोनलेस चिकन लिया है, आप सीने का भी ले सकते हैं और थाई का भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने डालना है 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच गार्लिक सॉस, ये देखें ये लहसुन पाउडर है ये मैंने 1 चम्मच लिया है, काली मिर्च सफेद मिर्च आधा आधा चम्मच, चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच, उसके बाद मैदा लिया है मैंने आधा कप, बाकी हमें नमक डालना है इसमें हद की जरूरत, मैं वाला नमक ज्यादा यूज करती हूँ, बहुत ही अच्छा नमक है। ये देखें ये सारा हमने मैरिनेट करने के लिए इसको 1 घंटे तक रख देंगे, अच्छी सी कोटिंग हो जाएगी इसके ऊपर, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। देखें चिकन हमारा कितना अच्छा मैरिनेट हो गया है, अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। इसको हमने डीप फ्राई करना है सारा, मैं इसी तरीके से सारा चिकन डीप फ्राई कर दूंगी, फिर इसकी हम सॉस बनाएंगे। देखें चिकन हमारी कितनी मज़ेदार सी फ्राई हुई है, इसको आप यूं भी खा सकते हैं। अब मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है, इसके अंदर मैंने एग फ्राई किया था एग फ्राइड राइस के लिए, इसी के अंदर मैं लहसुन डालूंगी जिस थोड़ा सा हम पकाएंगे। अब इसके अंदर हम ये चिलीज डालेंगे, मैंने 2 ली हैं, आप इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं, इनको अब हम हल्का सा फ्राई करेंगे। हमने सिरका डालना है, 1 चम्मच आप सिरका डालें, सोया सॉस डालें, हम टमाटर डालेंगे, प्याज डालेंगे और शिमला मिर्च भी मैं इस स्टेज पे डाल रही हूँ क्योंकि हमें मेरे यहाँ जो है ना वो पकी हुई बिल्कुल शिमला मिर्च खाई जाती है, इसको हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा। इन सब सब्जियों को हमें अच्छे तरीके से अब पकाना है। इन सब्जियों में मैं ये चिकन क्यूब डाल रही हूँ, आधा चम्मच काली मिर्च, नमक हद से ज़रूरत। कितना प्यारा कलर आया है सब्जियों का देखें, अभी हो गई है। अब इसके अंदर मैं ये टोमेटो केचप डाल दूंगी, ये 2 चम्मच टोमेटो केचप है, हॉट सॉस 2 चम्मच, इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर ये फ्राइड चिकन आपने डाल देनी है और इसको पकाना है। ये देखें कितना मजेदार चिली चिकन बना है, मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी। ओके थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।